हे गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। ये देखो, व्लॉग व्लॉग वाला भैया आ गया। ये व्लॉग बनाने का काम इसका है, मैं नहीं करता ये सारा। मैं बस अपने वाइंस में खुश रहता हूँ भाई। ये डबल डबल करता है, मेरे बीटीएस बनाता है, व्लॉग बनाता है। आज हमारा व्लॉग है, मतलब फटीन का व्लॉग है। तो भाई सपोर्ट करने के लिए आए हैं उधर। मोक्स हेरिटेज, मॉक्स हेरिटेज, MOKSH, मॉक्स हेरिटेज हेरिटेज। और ये देखिए, ये मगलना चिक्की का जो बोर्ड है आपको दिख जाएगा। लेफ्ट लेना है वहाँ से आपको सीधा। मैं आपको बैक कैमरा करके बता देता हूँ। वैसे आपको जो मगलना चिक्की की जो सबसे बड़ी शॉप है यहाँ पे हाईवे पे, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। अगर आप पुणे सॉरी बॉम्बे से आ रहे हो तो आपको यहाँ से राइट लेना है, राइट लेना है। तो मैं आपको बैक द सीन्स सॉरी बैक कैमरा करके बता देता हूँ, एक सेकेंड। गाइस, मोक्ष हेरिटेज में पहुंच चुके हैं हम लोग। ये देखिए पीछे मेरे, यार बहुत अच्छी जगह है कसम से। आप लोग आओ एक बार विजिट करो यहाँ पे, सच में बहुत अच्छी जगह है। चलो अब कैमरे के पीछे जा रहा हूँ, आपको होटल दिखाना है मुझे। तो अब जा रहे मोक्ष हेरिटेज में, एंटर हो रहे अंदर। चलो यार चलो। अरे यार इतनी अच्छी सर्विस, आते ही सीधा ब्लैक टी। थैंक यू सो मच भैया। भैया जी आपका नाम? विजय। थैंक यू सो मच विजय। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो है रिसेप्शन एरिया है। स्टाफ मेंबर खड़े हैं यहाँ पे। अगर आपको चेक इन या चेकआउट करना है तो आप यही से कर सकते हो। ये वेटिंग एरिया है रिसेप्शन एरिया पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वाईफाई की जो सर्विस है, आप जैसे ही एंटर होते हो तो आपको जो है वो मिल जाएगी, फ्री सर्विस है वाईफाई की। अब थोड़ी देर में मैं आपको रूम्स बता दूंगा कि कहाँ पे रूम्स है और कैसे कैसे रूम्स है। यार अभी अभी मुझे एक चीज़ दिखी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अगर आपको अगर बोर हो रहा होगा तो आपको कुछ खेलना है तो ये सामान जो है ये आपको यहाँ पे रखा हुआ ही मिल जाएगा, और आप लोग जो है आपका एंजॉयमेंट कर सकते हो। और एक और एरिया जो मुझे दिखा अभी अभी, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये देखिए यार, सच में ये एरिया इतना खूबसूरत लगा मुझे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये थम्स अप, चेक इन, हैंग आउट। रिसेप्शन एरिया जो है वो पूरा मतलब ऐसा गेमिंग जोन टाइप है, यहाँ कैरम आप खेल सकते हो, चेस रखा हुआ है यहाँ पे, और जो सारा सामान है वो वहाँ पे रखा हुआ है। और बाद में जो बास्केटबॉल जो कोर्ट है वो आपको दिखाऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ा सब्र। तो मैं अब आपको 001 जो रूम है, डिलक्स रूम कहते हैं, वैसे ये मेरा रूम नहीं है मगर फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डिलक्स रूम जो है वो कैसा होता है।
मेरा रूम भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल जो है मैंने सोचा थोड़ा सिंपल से स्टार्टिंग कर दूं। वॉशरूम जो है वो भी दिखा देता हूँ। बहुत आलीशान वॉशरूम है। सच में यार एक बार विजिट कर लो, मजा आ जाएगा। मैं तो फिलहाल आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग ये देख के एंजॉय कर लेना। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सुपर डिलक्स जो रूम है वो, मेरा वाला जो रूम है वो दिखाता हूँ आपको। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने रूम की तरफ, 201। यार पूरा अंधेरा है। अब ये देखिए, सिर्फ एक चाबी डालने से पूरे लाइट्स ऑन। यार फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, सच में पहली बार ऐसा सिस्टम देखा है मैंने। यहाँ पे एक्चुअली गैलरी भी है, वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। अब गैलरी दिखा देता हूँ आप लोगों को। वाओ यार सीरियसली, यार जो फीलिंग है ना मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। एक बार आप लोगों को आके थोड़ा ये फीलिंग लेनी ही पड़ेगी। मैं अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर एक और जो है बहुत खूबसूरत एरिया है वो दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। यार सच में बहुत खूबसूरत एरिया है ये। यहाँ का नज़ारा जो है आप लोग देख सकते हो। और अभी मैं आप लोगों को बास्केटबॉल एरिया दिखाने वाला हूँ, जो प्ले एरिया भी बोला जाता है वो दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ये देखिए बास्केटबॉल एरिया जो है, अभी अभी एक्चुअली साफ सफाई चल रही थी। बहुत ही क्लीन नीट और बहुत अच्छा होटल है सच में यार। अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, अभी जाऊंगा थोड़ी देर में खेलने के लिए फ्रेश होकर। अभी अभी एक्चुअली घंटी बजी है, पता नहीं कौन आया। ओह विजय भी है, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच विजय भैया। यार ग्लास का डिजाइन बहुत अच्छा है इमरान। यार भाई कैसा लग रहा है यार यहाँ पे आके? एकदम फाड़ू यार, फाड़ू फाड़ू, बहुत आर्ट, बहुत आर्ट। हाँ बहुत भयंकर, मतलब वो क्रिएटिविटी वो जो है इधर का जो बनाया है वो डिजाइन बोलो या ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पेंटिंग्स, पेंटिंग्स। ये देखो फॉर एग्जांपल इमरान जो पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है वो देख लिया। वैसे तो आप देख चुके हैं पहले, बट फिर से एक बार दिखा देता हूँ। पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय कर रही है। पूरे रूम्स की लाइट जो है बंद है, सिर्फ दो लाइट्स ओपन है, उसमें भी इतनी रोशनी आ रही है रूम में। बेड के ऊपर ही जो है दो लाइट्स लगाए हुए हैं। सच में यार बहुत खूबसूरत दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा या नहीं, बट सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है एकदम। देखें।
रहा है अपन। ये मेरी नहीं है, होटल की ही है। थोड़ा बोर हो रहे थे तो इमरान और मैंने सोचा थोड़ा बाहर आके साइकिलिंग कर ले। अब तेरी बारी है, तो थोड़ा फ्रेश हो गया यार चला के, अब थोड़ी सी गेम्स भी खेलनी है, तो चलो मिलते हैं इमरान सर। मेरा हो चुका है बारी। तो गाइज अब हमारा खेल कर हो चुका है, अभी बैडमिंटन खेला हम लोगों ने, उसका वीडियो भी डाल दूंगा मैं। अब यहाँ के लाइट्स जो है वो सारे ऑन हो चुके हैं। ये देखें फाउंटेन एरिया जो मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया था। पूरा होटल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये रियली ब्यूटीफुल। तो अब सारे गेम्स खेल कर हो चुके हैं, अब आराम की बारी है, थोड़ी सी फ्रेश होने की बारी है। इमरान भाई जूस पी रहे हमारे, मम्मी जो है यहाँ पे आराम करते हुए मुंह छुपाते हुए। सो गाइज आ चुके हैं थोड़े बाहर के एरिया में, ठंडा लग रहा है, एकदम ठंडा फील हो रहा है। ठंडा तो लग रहा है, साइकिलिंग अभी हो गई बट फिर भी पसीना नहीं आया, फ्रेश हो गया, अच्छा हो गया, फ्रेश लग रहा है एकदम पूरा। अभी तो कपड़े चेंज नहीं किए, कपड़े चेंज करने रूम में जाके, तो मिलता हूँ आपको सुबह। सो हे गाइस, अभी जस्ट सोकर उठा हूँ मैं, इमरान गया है फ्रेश होने, अब थोड़ी देर में अभी चेकआउट का टाइम होने वाला है। अब पता नहीं कौन आया, देखता हूँ एक सेकेंड। अरे विजय भैया इसकी क्या ज़रूरत थी। तो विजय भैया जो है अब ड्रिंक लेके आ चुके हैं हम लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। बाय, थैंक यू। विजय भाई ने एक्चुअली जो ड्रिंक ला कर दिया है मुझे, वो पी रहा हूँ अभी। अब जैसे इमरान निकलेगा वैसे ही फ्रेश होने जाऊँगा मैं। अभी जस्ट नहाकर रेडी हो गया हूँ, मतलब अभी होना है रेडी, और उसके बाद मैं फिर रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाना है। वैसे तो रूम में ही मिल जाता है ब्रेकफास्ट, बट मुझे नीचे जाकर खाना था, तो इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट की उन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम नीचे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तो अब नीचे जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। चलिए अब फ्रेश हो चुका हूँ, अब नीचे जाना है ब्रेकफास्ट के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो ये है डाइनिंग एरिया, ये सारा कुछ खाना जो है यहाँ पे सर्व हुआ जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी प्लेट एकदम सफाचट हो चुकी है, और इतना टेस्टी खाना था जैसे मतलब मैं हमेशा घर पर खाता हूँ अपनी माँ के हाथ का खाना, सेम वैसा ही लगा। और जिन्होंने बनाया था मैं उनको दिखा देता हूँ। ये देखिए मावशी है, थैंक यू सो मच मावशी, इतना अच्छा खाना लगा, सेम ऐसे लगा जैसे मैं मेरे घर पे ही खा रहा हूँ, थैंक यू सो मच मावशी। अब टाइम हो रहा है चेकआउट का, चेकआउट करने जा रहा हूँ। मम्मी जो है ऑलरेडी वेट कर रही है मेरा, मुझे लेट हो गया थोड़ा तैयार होने में। सर चलो चेकआउट करना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ये लो जी आपकी कीज़। थैंक यू। कैसा रहा है आपका सर? अरे माइंड ब्लोइंग सच में, इतना मतलब अमेजिंग घर जैसा फीलिंग यार कहीं मिली नहीं मुझे। ओके, तो कब आ रहे वापस आप? अरे बहुत जल्द आ रहे, बहुत जल्द। ओके, तो सर अभी निकल तो रहा हूँ मैं यहाँ से, चेकआउट तो कर रहा हूँ, बट मेरे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ मतलब मिलेगा फायदा इस वीडियो को देखने का? मिलेगा, आपका नाम लेके जो आते हैं उनको हम अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट।
आप जैसे गेस्ट भी बहुत टैरिफ टैरिफ मिलेगा मुझे टैरिफ आपको टैरिफ मिल जाएगा यार ये देखो दिखा रहा हूँ टैरिफ जो है आपको सब देखने मिल जाएगा इस पे डीलक्स रूम सुपर डीलक्स रूम का प्राइस वगैरह सब आप लोग वीडियो पॉज करके आपको आपको कुछ देखना है तो देख सकते हैं इसमें पूरा दिखा रहा हूँ मैं तो चलो सर मैं निकल रहा हूँ बहुत इंजॉय किया मैंने थैंक यू अगेन आपकी सर्विस देख के मतलब बहुत सच में इतना मजा आया थैंक यू सर चलो निकलता हूँ मैं चलो मामा बाय बाय सर तो चलो अब चेकआउट हो चुका है मेरा अरे विजय भाई कहाँ पे मिला नहीं विजय चलो थैंक यू सो मच यार बहुत अच्छी सर्विस दी आपने थैंक यू तो चलो मैं निकलूँ मेरी मेरा भी चेकआउट है आपकी वीडियो देखता हूँ मैं एक सेल्फी मिलेगी अरे जरूर जरूर मेरा वीडियो देखा है कोई ऐसे ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस वीडियो में देखते रहते ऑनलाइन क्लासेस वीडियो थैंक यू विजय बाय तो यार मेरा चेकआउट हो चुका है अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए सच में यार बहुत अच्छी फीलिंग थी अमेजिंग फीलिंग थी मैं बता नहीं सकता आप लोगों को प्लीज़ आप भी आइए इन्जॉय कीजिए यहाँ पे मोक्ष हेरिटेज में आप ये जो होटल है वो मैरिज के लिए बर्थडेज के लिए एनिवर्सरीज के लिए बुक कर सकते हो और बहुत ही कम रेट में है मैंने तो यार सच में बहुत इन्जॉय किया कम रेट में ऐसा है कि बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे तो प्लीज़ यहाँ पे आना विज़िट करना और मेरा यहाँ पे रेफरेंस दोगे रिसेप्शन पे तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा इतना मैंने किया है आप लोगों के लिए तो आना यहाँ पे इन्जॉय करना कम रेट में ज़्यादा बस इतना ही है तो चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों को बस जाते जाते इतना ही बोलूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जितने लोगों के साथ कर सकते हो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबके साथ में कर दो चलो बाय